नमस्कार दोस्तों, मैं जुनीश थोड़े नाल ते अज असीं जुड़ चुके हैं दुआबा कॉलेज दे विच। बहुत लंबा समा एक लॉकडाउन कट के असीं अज वापस आए हैं ते बहुत सारे विद्यार्थियों के चेहरे इत्थे देखण नूं मिल रहे हैं ते हर चेहरे ते एक मुस्कान है। वो मुस्कान आनी लाजमी है क्योंकि एक लंबा समा घर विच रह के एक जेल कट के असीं फिर अपने कॉलेज वापस आए हैं ते इत्थे दा माहौल काफ़ी सुहाना है। तो अज असी छोटी जी डिस्कशन करन जा रहे हैं। डिस्कशन का विशा भी साढ़े नाल मिलता है क्योंकि असी पंजो कुड़ियां हाँ तो साडा डिस्कशन का टॉपिक है विमेन इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की लगता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन च कुड़ियां दी अहमियत या कुड़ियां दा रोल किन्ना है? जिहड़ा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन शब्द है ये अपने आप च ही बहुत व्यापक तो बहुत वड्डा है और इहदे च औरतों की शमूलियत दो तरह ना हो सकती है। एक हो सकती है कि वह वोट किनिया पा पा रही ने, वोट किनिया कर सकती ने, तो दूजा ये हो सकता है कि वह डिसीजन मेकिंग कितने ने या वो अदारे किन्ने संभाल रही ने। तो मनप्रीत, मैं थोड़े तो जानना चाहवागी कि लगता है औरतों की शमूलियत राजनीति में है ज नहीं? जुनीश तुसी बिल्कुल सही कहा। तो इतने मैं एक गल कहना चाहूँगी कि वर्तमान में एक या दो ने कई औरतों ने जिन्होंने कई मुख्य अदारे संभाले हुए हैं, जिवें सुर्खियों में नज़र आ रही अमरीका की नवी राष्ट्रपति बनी कमला हैरिस। तो जे असी बाहर तो अपने देश वाल आईए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उन्होंने पूरे देश का जिहड़ा लेखा जोखा संभालिया होया है। तो इतने मैं सिर्फ दो ही औरतों के नाम ले ने, जे कि मैं ज़्यादा औरतों के नाम लैन लग पी तो जी सूची है बहुत लंबी होनी जाएगी। मनप्रीत, तुहाड़ी गल बिल्कुल सही है। दो नाम तो इलावा इन्हां दे बहुत सारे नाम भी हैं जिन्होंने राजनीति तो इलावा बहुत सारिया थावां ते इन्होंने बहुत सारे काम भी किए हुए हैं, जिवें ममता बैनर्जी, किरण बेदी, पीटी ऊषा। मैं तेरी गल तो बिल्कुल सहमत हाँ। तो जेकर असी इस दे नाल ही किसान अंदोलन की गल करिए तो जिहड़ियां औरतां हन पुरशां दे नाल मोढे दे नाल मोढा जोड़ के इस अंदोलन में पूरा अपना सहयोग दे रही हैं। तो जिहड़ियां औरतां हन आ किसान अंदोलन में ही नहीं होर थावां ते देखिए तो हर थावां ते इह औरतां नज़र आ रही हैं। इतने मैं भी अपनी एक गल ऐड करना चाहती हाँ। 1 फरवरी नूं पेश होए आम बजट की जिस दे विच उन्होंने आख्या सीगा कि जिहड़ियां औरतां ने वो नाइट शिफ्ट जिहड़ियां कर सकणगियां। तो अगर औरतों के काम को लेके देखा जाए तो मैंने एक बहुत वायरल वीडियो चेते आई है जिसके बारे में तुम्हें दसूँगी किस तरह उस वीडियो ने डाक विभाग को टिकट जारी करने मजबूर किया। ये वीडियो पुणे तो लगभग 60 किलोमीटर दूर पिंड पालू उत्थे दी रेणुका दी है। 18 जनवरी में हुई पंचायती चोणों के जित हासिल करने वाले अपने पति को मोढ़िया से चुक के तुरदी नज़र आई सी। इस वीडियो में देख के डाक विभाग से जोड़ा उन्होंने ये फैसला लिता कि असी टिकट जारी करांगे। तो इसका रीज़न ये कि ना कल्ली मोढ़िया अपने पति को मोढ़िया से ही चुकती नज़र आई कि उसके पिछे उन्होंने जिता की वो भी बहुत मेहनत लगी हुई सी। जी बिल्कुल, जिदा असं सुनते भी हाँ कि एक सक्सैसफुल बंदे के पिछे एक औरत का हाथ होंगे, तो जो किसी को सफल बना सकती है तो मैं लगता है वह खुद भी उस मुकाम से पहुँच सकती है। तो असी वूमेन एम्पावरमेंट की गल करते हैं, सिर्फ गल नहीं करनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण चल नहीं रहा, यह हो गया है। महिलावां बहुत ही जगह पर अपना नाम बना रही ने। अज असी तुहाडे कोलों इत्थे विदा लैंदे हां ते मिलदे रहांगे। धन्यवाद।